السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم यकीनन जो लोग अल्लाह की आयात का अल्लाह के अहकाम का अल्लाह के हुक्म का अल्लाह के बंदों का अल्लाह के रसूलों का सादा सीधा तर्जुमा है जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं नहीं मानते इसके बाद जो वजाहत है तो यही मतलब है जो लोग अल्लाह की आयतों का यानी अल्लाह के अहकाम का अल्लाह के इस कलाम पाक का अल्लाह के रसूलों का अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाने वालों का इनकार करते हैं इन्हें तकलीफ देते हैं इन्हें सताते हैं या अहकाम खुदाबंदी के खिलाफ करते हैं। इस आयत से जुड़ी हुई पहली आयत में ही बल्कि सूरह की इब्तिदा से ही दीन हक कतई तौर पर हक रसूलों की रिसालत का सिलसिला भी आखिर उज़मा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म और आप रसूल बरहक आप पर नाज़िल की हुई किताब बरहक साबिका जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रिसालत व नबूवत अता फरमाया था वो हक थी। यकीनन तमाम अंबिया रसूल सादिक रहे अमीन रहे सादिक थे अमीन थे। पयाम खुदाबंदी उनके पास भेजा गया था मानने वालों ने माना ना मानने वालों ने नहीं माना। हर बाद में आने वाले के लिए हुक्म हुआ अल्लाह ताला ने जो ये निज़ाम कायम कर रखा है जिसको पहले भेजा था जब उनका जिक्र फरमाते हैं अल्लाह ताला उनको यकीन मानो तो यकीन मानना ईमान उनके सदाकत का इकरार करना ईमान और उन पर ईमान रखने वालों के मोमिन होने को सही मानना ईमान। लेकिन ये अहले किताब दुनिया वालों ने जैसे यहूदियों ने अपने हाथों से बिगाड़कर अल्लाह के दीन ही को कई एक चीज़ों में बिगाड़कर इसी दीन को दीन बरहक समझा कहते रहे कह रहे हैं आज भी। ईसाइयों ने भी दीन ईसवी को कई चीज़ों को बिगाड़ा अल्लाह की ज़ात में शरीक कर दिया खुद पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का फर्जंद करार दे दिया। फिर उसको दीन हक कहते रहे आज भी कह रहे हैं। मुशरिक मक्का ने बुत परस्ती को शिर्क जैसी चीज़ों को दीन का नाम देकर उसको हक कहते हैं। कलाम पाक आकर इन सारी की सारी बेतों की तरदीद फरमाया कि वो बातिल हैं तुम्हारी फिक्र बातिल है। सारे के सारे रसूल अल्लाह के रसूल हैं किसी रसूल का इनकार नहीं। तो
लिहाजा इसकी आज की इस आयत में कि जो अल्लाह ताला किन आयात का इनकार करते हैं, जब इनकार करता है तो फिर उसका रद्द अमल भी करते हैं। किसी की मुखालिफत पे आगे बढ़े हैं तो कुछ नतीजा आगे बढ़ते रहता है। तू तू का माई माई का, तो जब ये अंबिया का इंकार किए, अंबिया के मानने वालों का इंकार किए, खाली इंकार करकर खामोश नहीं बैठे, इसलिए कि अंबिया को जो हुक्म था और ईमान वालों को जो हुक्म है, मानकर खामोश बैठने का नाम ईमान नहीं है। मानी हुई चीज को अमली मुजाहरे में पेश करना है, वक्त नमाज नमाज को नमाज की कैफियत में जाना है, नमाज पढ़ते हुए दिखना है, नमाज पढ़कर निकलते हुए नजर आना है, रोजों के दिनों में रोजे का एहतमाम करना है, ज़कात के दिनों में ज़कात को अदा करना है, सिर्फ दिल से मानने का नाम नहीं है। अच्छी चीज को अच्छी कहना है, बुरी चीज से नफरत करना है, दूर रहना है, बुराई करने वाले को दोस्त भी नहीं रखना है, बुराई करने वाले को ये बुरा है बताना है, चाहे वो कबूल करे या ना करे, चाहे उसके बाद कुछ भी नतीजा और रद्द अमल हो रही है। यही तरीका चलता रहा, इसी तरीके के नतीजे में हर नबी अलैहिस्सलाम को न मानने वाली कौमों ने सताया, बल्कि उनके मानने वालों का भी पीछा किए। नौबत यहाँ तक आई, बीसियों अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को कत्ल भी कर दिया और कत्ल भी हुए। ये सिलसिला आखिर जमा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी करना चाहा, कोशिश में पीछे नहीं रहे। तो जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं और नबियों को कत्ल करते हैं बगैर हक ना हक, इंसान इंसान को कत्ल करता है तो कहीं ना कहीं किसी हक की वजह से करता है, यह बात कुछ माकूल है। फलाने फला को कत्ल कर दिया था, बदले में कत्ल कर रहे हैं। दीन से हटो, दुनियादारी में फला ने मुझे रुस्वा किया, मैं इसको कत्ल कर रहा हूँ। अब उन्हें कत्ल किया था, उसके मुतालक उसको कत्ल करते हैं। यहाँ कत्ल क्यों हो रहा है कि एक वजह निकाल रहे हैं, वो वजह माकूल है कि गैर माकूल है वो बात अलग, लेकिन कोई किसी को कत्ल करता है तो कोई एक वजह। लेकिन अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम को कत्ल किया तो क्या वजह थी? किसी नबी ने गला दबाकर गर्दन पकड़कर हाथ पकड़कर खींचकर तो इस्लाम ला, ऐसा किसी ने नहीं कहा, इस्लाम ये जायज ही नहीं। दीन का मामला है अकीदे से, दीन का मामला दिल से है, दिल वाली चीज को अमल के जरिए से जाहिर करना। एक बार पकड़ेंगे गर्दन, एक बार हाथ पकड़ेंगे, कब तक पकड़ेगा कोई? इसे लाइक और तीन समझ में आने के बाद आदमी उसमें जुट जाना है, अमली जिंदगी के हर पहलू में लग जाना, तो फिर पता चलेगा, जाहिर होगा कि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो दिल वाली बात जाहरी तौर पर जाहिर भी होना, ये तरीका है ईमान का। तो ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को जो कत्ल करते हैं ना हक, और साथ ही साथ उन लोगों को भी कत्ल कर देते हैं जो यानी गैर अंबिया लोग, जो नबी नहीं है, ये नबी के मानने वाले हैं, नबी से तालीम पाए हुए, नबी के बताए हुए तरीके को इख्तियार किए हुए, अब दूसरों को बुराइयों से रोकते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, तो ऐसा कहने वालों को भी कत्ल करते हैं, मार देते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि इन लोगों के हक में बता दीजिए, इंतहाई सख्त दर्दनाक अजाब अल्लाह ताला देंगे।
ترجمہ ہے, اس کا پس منظر ہے. بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سینکڑوں انبیاء بھیجے, اللہ کی کتاب تورات کو باقی رکھنے کے لیے. تورات کے معنی بھی کتاب ہے, کتاب کے معنی بھی کتاب ہے, زبور کے معنی میں بھی کتاب ہے, زبان کا فرق ہے. تورات عبرانی زبان میں ہے, عبرانی زبان میں کتاب کو تورات ہی کہتے ہیں. زبور کے معنی میں بھی کتاب ہے, عربی کا لفظ ہے زبور, عربی کا لفظ ہے زبور. اور انجیل بھی سوریانی زبان میں کتاب ہے, سوریانی زبان میں کتاب کو انجیل کہتے ہیں. تو انجیل کہو بھی تو کتاب, یعنی کتاب اللہ, تورات کہو بھی تو کتاب اللہ, زبور بھی کتاب اللہ, یہ کلام پاک بھی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے, پھر نبیوں کے بعد نبی نے جس کو تربیت دے دی, چونکہ ان کو دنیائی اغراض دنیا کے طور طریقوں سے باز رکھنے کا طریقہ بتاتے تھے, جیسا آج ہمارا اسلامی بتاتا ہے جو کوئی شراب حرام ہے اسے خرید نہیں ہونا, میں اسلامی حکم ہے جو چاہے کر لینا. سودی لین دین, سودی اشارے, سودی تعاون, ساری کی ساری چیزیں حرام, کسی کو ستانا حرام, جھوٹی گواہی دینا حرام, جب ان چیزوں سے رکنا ہے آدمی کو تو اس کی زندگی کا حصہ بنی ہوئی چیزیں ہی ہیں. آدمیوں کو ستانا حرام, غیر عورتوں کو چھیڑنا حرام, یہ ساری کی ساری چیزیں حرام. ایمان میں داخل ہونے کا مطلب ہو گیا اس پر یقین رکھ کر یہ ساری کے سارے حرام کاریاں, بلکہ اپنی حرام زادیاں ختم کر دینا ہے. نفس اس کا عادی ہو گیا ہے, مشقت والی چیز ہے. جب کثرت ان چیزوں کی ہے, حرام کاری کرنے والوں کی, جھوٹ حرام ہے, جھوٹ پیشہ بنا لیا, عادت ہے, بولیں گے اس کو حرام کار بولیں گے. جتنے چیزیں حرام ہیں جو کرنے والا ہے, حرام کاریاں ہیں. اب کار کو نکال دو, بس مختصر لفظ میں کہو آپ حرامی, مختصر لفظ میں کہو حرامی. عرب ذرا سا لفظ کو بدل کے کہتے ہیں, سننے میں اچھا, مطلب معنی میں وہی حرام زادہ. یبن الحلال گلی دیتے ہو, حلال سے حلال نہیں, معنی حرام ہے. عربی کا ایک قاعدہ بھی ہے, ایک لفظ کو ایک ظاہری معنی کے ساتھ کہہ کر اس کے معنی کو پلٹ دینا, اس کے معنی کو پلٹ دینا, بیچ میں الفاظ میں پڑھنے کے ہو جاتے ہیں. قرآن کے اندر بھی اس قسم کے کئی الفاظ ہیں. وہم بربی مشفقون, شفقت کرنے والے کو مشفق کہتے ہیں, اور شفقت کے معنی ہٹا دینا, ہٹا کر اس کے الٹے معنی ڈرنا, خوف زیادہ کرنا. وہم بربی مشفقون, یہ اللہ کے بندے اپنے رب سے انتہا زیادہ ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں. عربی کے الفاظ کا یہ ہے جو لینگویج میں جائے گا الگ الگ بات ہے. تو نبیوں کو قتل کر دیتے تھے, نبیوں کے قتل کرنے کے بعد جو ان کی اتباع فرمانبرداری کرنے والے, یہ غلط کام کرنے والوں کو روکتے, باز رکھتے, پھر وہ مشن نبوت والا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو تربیت دی گئی تھی, جب اس کو آگے بڑھاتے ان کو بھی مارتے تھے, ان کو قتل کرتے تھے.
तो नबियों को इन्होंने कत्ल किया जो इंसानों की भलाई के लिए आए थे, तो वह अंबिया भले थे, उनके मानने वालों को कत्ल किया इसलिए कि नबियों की दावत और पैगाम को आगे बढ़ा रहे थे, तो वह ये भले थे। तो क्या वजह थी कत्ल करने की? वजह यही थी कि भले थे। हम उस दुनिया का हिस्सा हैं, बुराई का हिस्सा हैं, हम बुरे हैं, बुराई होते हुए देखना चाहते हैं, बुराई फैलते हुए देखना चाहते हैं, बुराई में मुब्तला होते खाना हम चाहते हैं, अमली मुजाहरा तो छे। जब हमको जो बुरा बोले ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्यों कत्ल किया? इसलिए कि भले बुरे नहीं है। आज भी दुनिया में माशे में कई लोग फला सब मुझे खाम का पीछा कर रहा, मैं उसको लेके ना देखे, खा दे ना पीके, आखिर क्यों? तो क्यों तो कुछ खाया नहीं पिया नहीं, इसने आपने कुछ नहीं किया, इसने बहुत बोले ना, इसने बहुत भले हैं भोले हैं, लेकिन दुनिया वाले की नजर में आप भोले हैं, उसकी फिक्र में आप। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो नबियों को कत्ल करते रहे नाहक, इसी तरह कत्ल करते रहे उन तमाम लोगों को जो नेकी का हुक्म देते थे, अच्छाई का हुक्म देते थे, अच्छी बात बताते थे। तिरियाली संबिया किराम अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी उसी में शामिल हैं, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम भी उसी में शामिल हैं, हज़रत अर्मिया अलैहिस्सलाम भी उसी में शामिल हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदद बताया है 43 का, ये गिनती चलते चलते आपको तहकीक़ में मिलेगी 70 की भी, पास के पास एक गिनती चलती है 300 अंबिया के नाम अलैहिस्सलाम की, तो कम से कम जो अदद मिलता है 43 का, और ज़्यादा वजाहत मिलती है 300 अंबिया के नाम अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल में सैकड़ों अंबिया के नाम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, नई किताब नहीं नाज़िल की, सिर्फ इसी पाबंदी के ऊपर वैसे थे नबी नबूवत का दर्जा देकर उनको मुतायन फरमाया। अल्लाह की जो किताब तौरात है उसको बाकी रखना, उसके ऊपर अमल पैरा रहना, लोगों को पाबंद बनाना। तो इससे तवील जमाने तक अल्लाह की किताब तौरात को बाकी रखने की पूरी तरह कोशिश की गई, तो इन लोगों ने कई तरीके से तब्दीलियाँ पैदा की। फिर उसके बाद फिर अल्लाह ने उस यहूदियों पर एक सहूलत निकाली, आम जिंदगी के चंद जो सख्त आकाम थे उसमें नरमी बरती गई। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमा कर किताब देकर इंजील, उनका भी इनकार कर दिया, अल्लाह की किताब का भी इनकार कर दिए। ईसा अलैहिस्सलाम के खत्म करने के लिए और खत्म करने वालों का साथ देने लग गए, तरीके हरवे बताते रहे, आखिरी कोशिश भी कर लिया। आज भी उनके आखिरी के मुताबिक हमने सूली पर चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ गए, मर गए। उनके अपने अकीदे के मुताबिक उस अकीदे में भी वो मुनखसिम है। फिर हमारी कुरान उसको जिक्र करेगा अगले पारों में, अगले आयतों में सब में आएंगे वजाहत। जब हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कहने लगे कि हमारा दीन हक है, यहूदी हक है, नसरानी कहने के हम नसरानी हक है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठने का तो हुक्म था भी नहीं, वो बैठते भी नहीं थे, इब्तदाई वही के अंदर फौरन बैठे दो चार रोज, तो फौरन हुक्माया हम पानजिर व रब का फकबिर,
अय्यल मुद्दसिर, क्या वो लपट के बैठे हो? अच्छी बड़ी चादर वो लपट के बैठे हुए हैं, तुम उठो उठो, बैठना नहीं है। आंजिर, ये सब गलत कामों से रोको, अगर ना रुकने पर अल्लाह के अजाब की खबर सुना दो। अंजिर और रब्बा का फकबिर, चर्चा खुदाबंदी सिर्फ और सिर्फ रब का होगा, किसी और का नहीं होगा। सबको बता दो कि तुमका रब कौन है, उसी की तकबीर पढ़ो, उसी की बड़ाई बयान करो, उसी की ताजीम करो, अमल से, अकल से, फिक्र से, जिंदगी के हर लम्हे से। बैठे की कहीं जरूरत थी? यहूदियों के इसमें चले गए, जाते कुछ यहूदियों ने पूछा, अला ये दीन मोहम्मद, हाँ कौन से दिन पर है? हमने बोला अला दीन इब्राहिम, मैं दीन इब्राहिम के पर है, मैंने तौहीद का वाला दिन। और यहूदी कहने लगे, वो काना इब्राहिम यहूदिया, इब्राहिम तो यहूदी थे। हमने कहा कि यहूदी नहीं थे। वो इशारा करे यहूदी थे, चलो तुम्हारी किताब लाओ, बताओ यहूदी थे। अरे ये किसकी बहस थी? जैसा कि आज के जमाने में ये मामला बहुत ज्यादा है, उसी की तर्जुमानी इससे जुड़ी हुई आयत है। इल्लज़ीन उतू नसीबम मिनल किताब, मिन कहते हैं कि थोड़ा सा, पूरा नहीं। वहां से चार बातें याद कर लिए, समझने में अपने आप को दीनदार, फिर एक चीज कह दिए, फिर दावा ठोसने लग गए, ये सही जी ये गलत जी। तो कुरान में है ना, अरे कुरान क्या क्या जानते हो? कुरान की तरतीब जानते हो? कुरान में कई चीजें ऐसी भी हैं, फिर उसी चीज के अंदर भी बाद में उसकी शक्ल और सूरत को तब्दील भी कर दिया गया कुरान की दीगर मौकम वाली आयत से। तो उसमें कौन सी हालत बाकी है, कौन सी हालत बाकी नहीं है, क्या फर्क समझते हो? ये कैफियत यहूदियों में ज्यादा थी, उसी के नतीजे के अंदर शरारत करते थे। जितना मालूम उसे इत्तेबा करना, उसे दावे करते हुए आगे के बस जारी नहीं करना। इसी कैफियत में यहूदी अपने दीन को बिगाड़ कर रख दिया, अल्लाह की किताब को, तौरात को बिगाड़ कर रख दिया। नतीजे में कौम बढ़ गई, बढ़कर 71 फिरके हो गए, सबके सब उदाह मुसलमान, हम यहूदी मुसलमान, हम यहूदी मुसलमान, ऐसे 71 हो गए। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मानने के बजाय, फिर इस 71 के अंदर एक पहलू और बढ़ गया, 72 हो गए। इसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मेरी उम्मत भी इस कुसम की हरकतों में बढ़ते हुए करते हुए 72 ने 73 हो जाएगी। तो क्या 73 का मतलब है कि मजहब का दावा करते हुए जुजियात में फुला फुला चीज में करते 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 उसी के ऊपर अपने आप को सही समझते हुए उसी पर चलते रहेंगे। फिर वो माया के देखो पूरे 73 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही मकतब फिक्र जन्नत में जाने वाला है, माँ बाकी। तुम समझे खुद को मुसलमान, दुनिया वालों के सामने दावा रहा मुसलमान, ये सब के सब, सबके हाथ में किताब अल्लाह, सबके हाथ में हदीस की किताब, सबके हाथ में कुरान, सबके जमानों पर सहाबा के तज़किरे, इस्लाम के मुकाबले में गैर मुस्लिम कौमें मुराद नहीं है। 73 फिरकों का मतलब यहूदी भी ऐसा 71 फिरके में। यह सुनने के बाद तमीज करना बड़ा मुश्किल दुश्वार हो गया, साहबा खुद हैरत सदा हो गए। फरमाया कि फिर शनाख्त कैसा होना,
और शनाख्त भी ऐसी फरमाई, मैं अल्लाह की किताब और जिसके ऊपर मैं कायम हूँ, बस ये मियार है, इसको बाकी रखो, अलग से यूं करके हम नहीं बताते, उनका मंशा है। आगे बढ़कर कहने की जरूरत नहीं, इसमें जो कामयाब होकर चलेगा उसको एक जन्नत, जन्नतें जन्नतें जन्नतें। रहमान की तिलावत करो सूरत रहमान की, जन्नतान जन्नतान, कम से कम एक जन्नती को दो जन्नतें कम से कम। दुनिया की औरतों में से कम दो औरतें बड़ी तफसील है उसकी, जितने इंसान पैदा किए अल्लाह ताला हर एक का एक हिस्सा जन्नत में बनाए हैं, हर एक का मजहब व मिल्लत के फर्क के बगैर, और जो दोज़ख बनाए हैं उसमें भी हर एक का हिस्सा है। इसे मैं उसको आसान से समझ में आने के लिए कहता हूँ कि जन्नत में हर शख्स का इंफिरादी तौर पर एक प्लाट है। दुनिया वाले अपने नजर से उनके प्लाट, अल्लाह की तरफ से अता के लिए हर एक के लिए एक प्लाट है। दोज़ख में भी हर एक के लिए प्लाट है, इस्तेसना देने की कोई शक्ल नहीं है। क्या उनका भी होगा? हर एक का है। क्या उनका भी होगा? हर एक का है। नबियों से लेकर अजना इंसान तक गिनती कर लो, हर एक का है। अब बात और जल्दी समझ में आएगी। हर मुर्दे से हिसाब किताब के बाद, मरने के बाद अगर वो जन्नती है, नेक है, वो सवाल जो आपके पास कामयाबी के पास उसके साथ जो करेंगे, सबसे पहले उसको दोजख का नजारा कराएंगे, कराकर बताएंगे दोजख का उस जगह का वो मकाम भी बताएंगे, देखो तुम्हारा जो दोजख का प्लाट यहाँ था, ये तुम्हारा मकाम है, अब नहीं रहा, ये तुम्हारा मकाम है, तुम्हारे लिए वजह किया गया था, हमारा भी उसको वजह किया गया था, आप उर्दू अंग्रेजी मुख्तलिफ जबानों का जरा मिल तो आज की उर्दू बन रही है जो आपके लिए अलर्ट कर दिया गया था, अब नहीं है, फिर जन्नत बताएंगे वो हिस्सा, ये तुम्हारा मकाम है, अब यह रहेगा। अगर बुरा है तो उसके लिए सबसे पहले जन्नत का नजारा करेंगे, जन्नत का वह मकाम बताएंगे, फरमाएंगे ये आपका था, ये आपका मकाम है, अब नहीं रहा, ये था अब नहीं रहा, फिर वो हटा दिया जाएगा, फिर दोज़ख का मकाम बता देंगे, बताएंगे अब यही है आपका, अब बदलेगा। और आसानी समझ में बात कि हर एक के लिए जन्नत हर एक के लिए दोज़ख का है, लेकिन मिलने वाली हर एक को जन्नत नहीं, हर एक को दोज़ख नहीं। मिलेगी किसी को जन्नत तो मिलेगी किसी को दोज़ख। अब इसके बाद अपने ज़हन से आगे बढ़े आप, जितने जन्नत में चले गए उनके सारे दोज़ख के प्लाट खाली हो गए, और जितने दोज़ख में चले गए उनके जन्नत के लिए भी मुतय्यन किए गए थे, वो पूरे प्लाट खाली हो, और दोज़ख में जाने वाले की तादाद सबसे ज्यादा है। सारे हिसाब व किताब के बाद अल्लाह ताला हुक्म देंगे दोज़ख को, है दोज़ख खुज़ी मिन हज़्ज़की, ना मिली मिन हज़्ज़की, जैसे अल्फाज के साथ हदीस में है, तू अपना हिस्सा ले ले। वो कहेगी कि किस हिसाब से लूँ अल्लाह ताला, देख तरतीब से ननी अन्नू को अंदर खींच ले,
नंबर 100 वाले भी एक को हटा दे, फिर नन्हे को खींच ले एक को हटा दे, फिर नन्हे को खींच ले एक को हटा दे, जन्नत की तरफ चढ़ा ढकल दे उसको, फिर नन्हे को तू ले ले एक को हटा दे। हर 100 में से नन्हे को जो दो जख्मे, एक जन्नत। हमारे हिसाबी जबान में 1% 1% जन्नती, 99% दो जख्म। इस वजाहत तो बयान को बज़बान पैगंबर अलैहिस्सलाम साहबा ने जब सुना, कामिल ईमान रखने वाली, आखिरत का कामिल यकीन रखने वाली, कुरान में अजाब वाली आयत गुजरती, पूरा जिस्म थर थर आता, भीषियों से आंसू बहे पड़ते, खौफ ज़दा हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान दिलाया, ज्यादा खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं, वो जितने नन्हे रहेंगे उसमें कोई यहूदी रहेगा, कोई ईसाई रहेगा, कोई मजूसी रहेगा, फुलान रहेगा, फुलान होगा, इसी तरतीब चलते रहेगी, जो एक रहेगा वो तुम में से होगा, हर 100 में से जो एक एक निकलेगा तुम में से रहेगा, यानी उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेगा, जो उम्मती बनेगा, कहलाना अलग चीज है, बनना अलग चीज है। मैं पहलवान हूँ कहना अलग चीज है, अखाड़े में उतर पहलवानी का मुजाहरा करना अलग चीज है, कहना काफी नहीं है। तो उम्मती कहलाना काफी नहीं है, मैं उम्मती हूँ कहना काफी नहीं है, उम्मती होना काफी है। जब उम्मती हो गया तो उसको पैगंबराना शान अता करते फरमा देते हैं अल्लाह ताला, वो गजाल के जालना को उम्मत वसत लितकून शुहदा अलन्ना, सारी कौमों की अंबिया किराम अलैहिस्सलाम गवाही देंगे, अल्लाह पूछेगा तो उस दर्जे में गवाहों के दर्जे में फेरिस में उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी हिस्सा दे रहे, अल्लाह तो भी शाहिद होगा, नहीं तो कूनो शोहदा अलन्नास, उम्मती जो हो जाता है। तो ये लोग वो कत्ल करते थे, कई को क्या गुनाह था, ना कुछ भी नहीं था गुनाह, लिहाजा इनके लिए दर्दनाक असर पड़े। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन जो अल्लाह ताला अज़ाब देते हैं सबसे सख्त तरीन अज़ाब क्या होगा? तो वो हदीस भी हमेशा के लिए याद रहती है, आयत का मफ़हूम याद रहा। आपने फरमाया जो किसी जिसने किसी नबी को कत्ल किया हो या नबी के पैगाम को पहुंचाने वाले नेक आदमी को कत्ल किया हो, अल्लाह ताला उसको सबसे बड़ा सख्त अज़ाब देंगे। फिर यही आयत शरीफा पढ़ के बताई, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط يقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم, दर्दनाक अज़ाब इन्हें भुगतना पड़ेगा। ये तो मतलब है सियाक सबाक से, कुरान में तफक्कुर तदब्बुर का हुक्म है। अब इस उम्मत से खिताब है, मैं मुसलमान हूँ, आराम से मेरे को शान से गाड़ी हो जाना, चार खाना हो जाना, सर्दी में तो मैं बगैर फैन के मस्जिद में नहीं ठहरता, अगर फैन नहीं बोलेंगे तो मैं चंदा बन कर दूंगा, नहीं भी बोला तो सोचूंगा इनको क्या नाम देना चाहिए, दे लीजिए आप। मैं नमाज पढ़ने के लिए आया, सबसे बड़ा एहसान कर रहा हूं, मैं तो इस मस्जिद से वो मस्जिद में चले जाऊंगा, वहां जाकर अपने हुकूक मनवाऊंगा, ना जायज हुकूक, इबलीसी हुकूक, अपने सिवा किसी को इंसान नहीं समझना, जो मेरा मिजाज है सारी दुनिया को मैं मिजाज में अपने ढालूंगा, मेरा जो ख्याल है मेरे ख्याल और फिक्र में उन्हें ढलना,
अरे शरी अब तो इमाम के ऊपर पाबंदी लगा दी, हर नमाज को तवील खिरात के बगैर नहीं पढ़ने का हुक्म लगाए। जिस नमाज में तवील खिरात और रकात लंबी हो वही नमाज अफजल है अल्लाह ताला को। ज्यादा सजदे और हर सजदे के अंदर ज्यादा से ज्यादा तकबीरात हो वही नमाज पसंद है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद फरमा दी, आपके जरिए से फरमा दिए, इमाम को बोल दिए कि नहीं। आपको याद है कुरान, आपको मालूम है, याद है सवाल पढ़ाना, ये हम भी हुक्म इसी को देते हैं। आता बोलकर ज्यादा नहीं पढ़ना। इख्तिदा करने वालों के अंदर कमजोर भी है, बीमार भी है, सुस्त भी है, किसी को इंतहाई वक्तिया तौर पर जरूरत कभी भी किसी को पेश भी आ रही है, हर एक के दिल का हाल तो इमाम नहीं जानता। इन सारी चीजों को मलहूज रखते हुए भी मुतवस्सित तरीका इख्तियार करना, सबका लिहाज रख के करना, और कोई अचानक कोई ऐसी शक्ल नमाज के दौरान पैदा हो रही है तो पढ़ी जाने वाली खिरात में भी और मुख्तसर कर देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते पता देखे, छोटे शीरखार बच्चे की चीखने की तड़पने की आवाज आई, औरतें हाजिर होती थी बच्चों को लेकर, फौरन आपने नमाज मुख्तसर फरमा दिया। वजह फरमाई कि इसकी वजह से मैंने मुख्तसर कर दिया है। बल्कि इमाम को यह भी ताकीद लगा दी, रुकू में सजदे में तीन तकबीरात पढ़ना, तीन तकबीरात पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, उन तीन तकबीर हर एक से पढ़ाना है। इमाम चूंकि सब पहले जाता है, उसके अल्लाह अकबर की राह की आवाज के बाद उसको झुकने का हुक्म है। पहले अगर झुका तो उसके नमाज के अंदर खलल है, उसकी नमाज के ऊपर बीसों फतवे और फैसले हैं। जब ये जाकर पढ़ चुकता है तो फिर इनकी आमद होती है। जब इन्हें फौरी उसके बाद तीन मरतबा पढ़कर उड़ गया तो इनको दो मरतबा या एक मरतबा पढ़ने का मौका का इम्कान हो जाता है। उसको है कि हालांकि हर चीज ताकत में करना है, फिर भी फैसला बता दिया गया ठीक है इमाम चार बार पढ़े इतना से, ताकि मुख्तदी को तीन मरतबा का मौका मिले, उसको पांच से सात किया जा सकता है। मुनफरिद नमाज में ऐसा नहीं, इत्मीनान से आप तवज्जो देना है, सारे दीन के खुलासे को बशक्ल नमाज से जाहिर करना है, अपनी कमाई धमाई को भी बशक्ल नमाज जाहिर करना है, अपने खाने पीने को भी बशक्ल नमाज जाहिर करना है। वो कैसा उसके तभी तफसील, क्योंकि नमाज वो चीज है जिस जिंदगी के हर पहलू के साथ जोड़ दी गई है। इन सलात तना निर्पाशाई वल मुनकर, नमाज तो मस्जिद में होती चंद मिनटों के लिए होती है, फिर इंसान से जुड़ी हुई जिंदगी की हर खराबी से दूर करने वाली जिसका नाम नमाज है पता है। ये क्या चीज है? तो वह हर चीज का मुजाहरा नमाजिश है। आपके कसब हलाल कमाई का मुजाहरा नमाज है, इज़्ज़वाजी खुशगवार जिंदगी का मुजाहरा नमाज है, अपनी जिंदगी में पेश आई तलखियों का मुजाहरा नमाज है, अपनी जिंदगी में तंगियां पेश आई उसका मुजाहरा नमाज है। मैं बीमार हूं नमाज नहीं पढ़ता, मैं परेशानी में दूर लगी चलो नमाज पढ़ो चाहे करो, ये कहां से करना। उलाइक अल्लज़ीन हबितत अमालुहुम, दूसरी बात जिसको बुरे कह रहे हैं, बुरे तारीफ बना रहे हैं, ये बुरे लोगों का भी आप जायजा लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, उनकी जिंदगी में भी बीसियों अच्छे काम भी हुए हैं, किया भी है, उसके बाद भी कर रहे हैं। अजी उधर चोरी भी किया है, फिर आज जुमा की नमाज से तो जुमा में शरीफ की नमाज भी पढ़ाए, जुमा का सुन्नत गुसल है गुसल भी किया है, तो ऐसे शख्स के अंदर क्या नेकी का काम कुछ भी नहीं करता ऐसा नहीं है।
उनकी जिंदगी में नेक अमाल भी होते हैं, तो अल्लाह फरमाया जब ये असल जो चीज़ नहीं है, इस किस्म के अमल हैं, तो इनके जो कुछ दुनिया में अमल किए गए थे करके भी हबीतत ज़ात ज़ाए हो गए, बेकार हो गए, आखिरत में भी उसका कोई वजन नहीं रहेगा, मिलेगा नहीं, इनका कोई मददगार नहीं होगा, यानी अजाब से बचाने वाला। ये किस किस्म के लोगों की हरकत होती है, उसी का थोड़ी सी और तफसील अगली दो आयतों में, उसी का मुसलसल मज़मून आगे आएगा। सुभान अल्लाह।